बहुत समस्या खराब है मेरे यहाँ पर, तो मरीज को ध्यान नहीं देते हैं ना कुछ बोलते, वो दत्कारते हमको बिल्कुल ज़्यादा। स्टाफ भी सही तरीके, स्टाफ भी सही बात नहीं करते, हाँ आ रहे हैं, आ रहे चलो, आ रहे आ रहे हैं, कोई सुनता भी नहीं है। हम क्यों गट्टर से बैठ सकते हैं, तो बोलो यहाँ जा घर पर जाओ, तो बस सुविधा है, जाओ जयपुर जाओ। कहाँ से आए हो? नसराबाद से आई हूँ मैं तो। ठीक है, आपका नाम बताइए। पुष्पा देवी। वार्ड में क्या सब लोग परेशान हैं, टाइम पे इलाज नहीं हो रहा है। पेशेंट कहाँ कहाँ सो रहे हैं? मैं कब तीन बार भर्ती रह के चला गया, गोलियाँ दे के भेज देते हैं, वो इलाज हो ही नहीं रहा, वो दवाएँ खत्म हो जाती है बार बार, वो ट्रीटमेंट आ नहीं रहा है। महावीर है मेरा। मैं हौसम रोड से किशनगढ़ से अपने पेशेंट को लेके आई हुई हूँ यहाँ पर। अभी तक तो हम लोग जिस टाइम यहाँ पर आए तो बेडशीट भी नहीं थी, हम लोग बिल्कुल ज़मीन पर लेटे हुए थे। उसके बाद में जैसे ही बेड खाली हुआ हमें बेड भी मिला और सुविधा भी मिली, पर गंदगी है, एसी बंद है और यहाँ पर बातें बहुत करते लोग, इतनी बातें करते कि हम लोग खुद पेशेंट हो गए हैं, पेशेंट से अटेंडर पेशेंट बन गया है। और गंदगी तो इतनी है कि समझ लो नाक बंद कर कर भी जाए ना तो परफ्यूम की हमें ज़रूरत है, ना तो फिनाइल की सुविधा है, ना कुछ कुछ भी नहीं है। और जहाँ जहाँ डस्टबिन पड़े हैं वहाँ से ज़्यादा कचरा है, सारा बाथरूम से लेके हर एक जगह पर गंदगी है, कहीं भी आप गंदगी का कुछ नहीं कर सकते हैं। जी नाम बताइए। मेरा नाम दिव्या वासवानी है, मैं किशनगढ़ अजमेर से हूँ। आज हम सुबह से जनरल वार्ड में शिफ्ट किया है, मेरी दादी एडमिट थी आईसीयू से, जनरल वार्ड में शिफ्ट करने के बाद उनको सुबह से बेड प्रोवाइड नहीं किया है। हमने डॉक्टर से बात की है, सिस्टर से बात की है, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, वो इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है कि हमें कोई मिल जाएगा, हम नहीं पता कब डिस्चार्ज होगा, कब बेड मिलेगा, कोई पॉजिटिव जवाब ही नहीं मिल रहा। एंड वो 70 प्लस लेडी स्टूल पे बैठी हुई हैं सुबह से, एंड यहाँ पे कोई सुनने को रेडी नहीं है। एंजियोग्राफी के लिए हम लोग ने बोला, कोई डॉक्टर सुनने को रेडी नहीं है, कोई रिपोर्ट्स देने को रेडी नहीं है। हम 5 मिनट में आ रहे हैं, आधे घंटे में बता रहे हैं, पर कोई कुछ नहीं बता रहा। मैं जयपुर से आई हूँ स्पेशली अपनी दादी को देखने, मैं सुबह से आई हुई हूँ, सुबह से स्टूल पे बैठी हुई हैं और कोई बेड नहीं मिल रहा। दूसरे पेशेंट आए उनको बेड दे दिया, बट हम लोग को बेड नहीं मिला। जया। ये अजमेर शहर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो कि कार्डियोलॉजी वार्ड है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डॉक्टर्स अपनी सुविधा दे देंगे, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, आप देख रहे हैं कि ज़मीन पर ये लोग पड़े हुए हैं। आज इनकी एंजियोग्राफी हुई है, मैं अपने किसी नसीराबाद वाले पेशेंट को देखने आई थी तो वहाँ आकर देखा कि हालात बड़े ख़राब थे, वो मेरे आगे रोने लगा कि दीदी आपके यहाँ का ऐसा हालात है। तो मैंने देखा, वास्तव में पूछा कि आप देख रहे हैं डबल बेड यहाँ पर नहीं है और ज़मीन पर लोग पड़े हुए हैं, एसी बंद पड़े हुए हैं, कोई कोई पंखा चल रहा है, स्टाफ भी ढंग से बात नहीं करता है। तो मैं ऐसी गवर्नमेंट को कहना चाहती हूँ कि सिर्फ जनता को अपना वोट बैंक ना बनाएं, उनको भ्रमित ना करें, कम से कम अपने यहाँ पर आके आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल की देखभाल करें, क्योंकि गवर्नमेंट के क्या इतना बजट नहीं है कि यहाँ पर बेड भी ला सके। इनको पहले से ही एडवांस इन्होंने ज़मीन पर लेटा दिया कि आप ज़मीन पर लेटिए, आप नृत हो चुके हैं, आप जाने की तैयारी करिए। तो हालात देखिए, बाथरूम में जाके देखिए, बाथरूम में दो महिलाएँ गिरी है, मैं खुद स्वयं मौजूद थी, मैंने उठाया उनके खरों चाहिए, और वहाँ बाथरूम में हालात इतने गंदे हैं, वहाँ बाहर बोर्ड लगा रखा है कि अगर आप यहाँ पर गंदगी करेंगे, गुटखा थूकेंगे, 1100 रुपये पेनल्टी है। तो क्या 1100 रुपये सिर्फ लिखने के लिए है या पेनल्टी जेब में जा रही है? तो इनको आप सिखाएं और सुधारें ताकि ये अस्पताल सुधरे, क्योंकि एक हार्ड ऐसी चीज़ होती है जो कि अगर ब्लॉकेज हो जाते हैं, ये एंजियोग्राफी हो रही है, उस व्यक्ति को आप शांति से एक अच्छी जगह रखें, ठंडी जगह रखें, उनको आराम मिले, पूरी तरह रेस्ट मिले, वो यहाँ हो नहीं पा रहा है। और मैं कह रही हूँ ऐसी गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक देना चाहिए जो इस तरह के हालात करके और वोट बैंक जनता को बना के उनको भ्रमित कर रही है। भारती श्रीवास्तव, वार्ड नंबर 12। अस्पताल की व्यवस्था है शहर की, सर कोई सुनाई नहीं कर रहा है, कोई बोलते हैं कि अब ज़्यादा बोलते थे, वो बोलते हैं डायरेक्ट जयपुर चले जाओ, सुविधा दे नहीं पा रही है, जो सरकार से अपने सुविधा मिल रही है वो नहीं मिल पा रही है। हाँ, यहाँ गंदगी वो सब फैला रखी है, बाथरूम लेटरिन तो इतना ख़राब है कि जैसे अपन ऐसी सब बंद पड़ा है। डॉक्टर साहब ने बुलाया 3 बार, तो चेयरमैन साहब ने यहाँ के फ़ोन किया तो वो आए थे, आए तो बोला ज़्यादा उतलो तो आप जयपुर चले जाइए। गंदगी तो बहुत सारी है सर, इधर जो अपन सफाई रख रही है वो नहीं रख रही है, एकदम गंदगी, एकदम सुगंध बहुत खराब आ रहा है लेटरिन बाथरूम में। गोविंद राम।